दोस्तों, इंसान खुद को एंटरटेन करने के लिए हमेशा ही कुछ नया नया खोज करता आया है, जैसे कि रेडियो, टीवी, म्यूजिक और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स। और इसी तरह से आज के समय में जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑप्शन है वो है वीडियो गेम्स, जो कि अपनी शुरुआत के बाद से ही लोगों को खूब भा रहा है। वैसे तो अगर पहले वीडियो गेम की बात करें तो वो आई थी अक्टूबर 1958 को, जिसका नाम था पोंग। लेकिन समय बीतने के साथ ही साथ गेम के टेक्नोलॉजी और इंटरफेस में बहुत सारे चेंजेस आए और आज के समय में तो हम काफी एडवांस और रियलिस्टिक गेम्स खेल सकते हैं, जिसे कि हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और दोस्तों, इन्हीं गेम्स में से आजकल एक गेम बहुत चर्चे में है, जिसका नाम है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में पबजी के नाम से भी जानते हैं। इस गेम ने महज कुछ महीनों में ही गेम लवर्स का दिल जीत लिया है और यही वजह है कि आज इसकी लोकप्रियता शिखर पर है और दुनिया भर में लाखों लोग इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खेलना पसंद करते हैं। वैसे अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पबजी में 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड पर पैराशूट की मदद से उतार दिया जाता है, जहां पर उन्हें एक दूसरे से लड़कर आखिरी तक टिकना होता है। और इस गेम में प्लेयर या तो अकेले खेल सकते हैं या फिर वह 4 प्लेयर की अपनी टीम बनाकर मैदान में उतर सकते हैं और फिर लैंड करने के बाद से अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें अलग अलग घरों में जाकर हथियार और कई अलग अलग चीजें ढूंढनी होती हैं, जो कि दूसरे प्लेयर से लड़ने में काम आते हैं। और गेम के अंत में प्लेयर को इन गेम करेंसी मिलती है, जो कि उनके मारे गए प्लेयर्स और गेम में टिके रहने के समय के आधार पर होती है। और इन करेंसी का इस्तेमाल गेम के अंदर ही हथियार और बाकी चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक यह तो हो गई गेम प्ले की बात, लेकिन चलिए अब हम जानते हैं कि इस गेम की शुरुआत कैसे हुई और इसे बनाया किसने। तो दोस्तों, इस गेम को बनाने का श्रेय मुख्य रूप से ब्रैंडन ग्रीन को जाता है, जो कि पबजी गेम के लीड डिजाइनर और डायरेक्टर हैं। और ब्रैंडन को ही ऑनलाइन स्टेज पर प्लेयर अननोन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रैंडन अपने करियर के शुरुआत से कोई गेम डिजाइनर नहीं थे, बल्कि वह तो आयरलैंड में जन्मे फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर थे और अपने काम के लिए ब्राजील में रहा करते थे। लेकिन उन्हें गेम्स खेलना शुरू से ही बहुत पसंद था और वे डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डाउन और अमेरिकाज आर्मी जैसा वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे। और फिर एक दिन डेज गेम खेलते समय वह इससे काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वे अब गेम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। साथ ही इस डिसीजन में बैटल रॉयल नाम का एक जापानीज फिल्म ने भी उन्हें बहुत इंस्पायर किया। और फिर अब ब्रैंडन ने गेम इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी और फिर आगे चलकर उन्होंने कई सारे गेम्स में कमियां खोजकर उनमें बदलाव किया। दरअसल ब्रैंडन एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे जिसे कि प्लेयर कितनी भी बार खेल ले लेकिन उसका मन न भरे। और उनकी काफी अलग सोच से प्रभावित होकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने उन्हें अपनी कंपनी में H1Z1 गेम की डेवलपमेंट के लिए बतौर कंसल्टेंट शामिल कर लिया। हालांकि इस गेम पर काम पूरा हो जाने के बाद से ब्रैंडन ने कंपनी को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, ठीक ब्रैंडन की तरह ही सोच रखने वाले एक और व्यक्ति थे चैंग हैन किम, जिनके साउथ कोरिया में एक गेम डेवलप करने वाली कंपनी थी और इस कंपनी का नाम था गिन्नो गेम्स। हालांकि आगे चलकर जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर ब्लू होल कर दिया गया था। और चैंग हैन किम भी उस समय एक बैटल रॉयल गेम बनाने की सोच रहे थे। और फिर जब उन्होंने गेम बनाने के लिए रिसर्च शुरू की तब उन्हें ब्रैंडन ग्रीन की काबिलियत के बारे में पता चला और फिर उन्होंने ब्रैंडन को साउथ कोरिया बुलाकर अपने गेम बनाने के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। और इस तरह से एक दूसरे से मीटिंग के बाद दोनों ने एक साथ पबजी गेम पर काम करने का फैसला ले लिया। और फिर काम को स्टार्ट करने के बाद से इस गेम को बनाने में एक साल की डेडलाइन रखी गई और शुरुआत में 35 डेवलपर इस गेम को डेवलप करने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे लीड बढ़ती गई तो इनकी संख्या भी बढ़कर 70 हो गई और मार्च 2017 तक इस गेम का अर्ली एक्सेस बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो कि गेमर्स को बहुत पसंद आया। हालांकि कुछ कमियों को सुधारने के बाद से 20 दिसंबर 2017 को पबजी को सभी के लिए रिलीज कर दिया गया और फिर आगे चलकर फरवरी 2018 में इसे एंड्रॉयड और iOS के लिए भी लॉन्च किया गया और इस तरह से लोग अब इस गेम का आनंद अपने मोबाइल फोन से भी उठा सकते थे। हालांकि दोस्तों, लॉन्चिंग के बाद से ही इस गेम को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि यह महज कुछ महीनों में ही दुनिया की सबसे लोकप्रिय गेम बन गई और इसे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम गेम की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। साथ ही इसे अभी तक बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, PC गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर और ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर की तरह ही बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं।
और दोस्तों ब्रेंडन के अनुसार इस गेम में आगे भी बहुत सारे न्यू फीचर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी आज के समय की सबसे लोकप्रिय गेम प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।